विद्या प्राप्त की थी। उदों साडा यही ना मुख विद्यालय सी, एक घर जाख वह भी विद्यालय बाद शुरू किया गया, जिस विच माणी रूप भाई करतार सिंह जी झब्बर 2 साल वह उत्थे रह के विद्या प्राप्त करके आए सन। शब्द की है गुरु का, हुक्म की है गुरु का, उन्हीं डूंगाइया तक गहराइया तक जाइए असी, फिर साढ़े अंदर एक चेतना पैदा होगी कि गुरु कुछ होर कह रहे हैं, असी कुछ होर करते पे हाँ। संगत जी हो इस मूवमेंट के नाल यह भाणा वापरन के नाल साका वापरन के नाल कितनी महान तब्दीली आई है। जेड़े तुसी मेरे हम उमर हो तुहानू तां पहलियां गल्लां वेखण दा मौका ही नहीं बनिया, असी पढ़ सकते हैं सिर्फ जिन्हां परकरमां दे विच अज असी ना, मैं कहिंदा उन्हां गल्लां दा सुपना तक नहीं लै सकते। इत्थे इन्नियां बेहुरमतियां हुंदियां सन गुरद्वारियां दे विच, हरिमंदर की गल नहीं केवल हरिमंदर साहब जी दरबार साहब दे, उस नारायण दास दे हवेलियां विच जिहड़ा कुछ हुंदा सी, ननकाना साहब के विहड़े विच जिहड़ा कुछ हुंदा सी, सब तो पहला करतार सिंह झब्बर नूं धक्के पए। क्यों धक्के पए? कंजरियां दा नाच उत्थे करवाया जा रहा सी, एक रजास तो पढ़ के आए सन, नवे नवे सन, स्पिरिट सी अंदर, रोकण दा यतन कीता, उह घट पए गए। हुण न्याणे नहीं हैगे सन, इह न्याणे सन उस वेले। हाँ जी, इह गल 1911-12 की है, तुसी हिसाब जिहा लगा रहे हो जी, सन 75 दा, 1875 दा उन्हां दा जन्म है, कितने साल के सन, 35-37 साल के सन उस वेले, धक्के मारे इन्हां नूं, क्यों? ये कह रहे सन गुरु होर कहते पे ने, तुसी होर करते पे हो, गुरुद्वारिआं विच ऐसा सारा कुछ होण लग पवे, सिख कित्थों सेध लैणगे? लेकिन धक्के खाने पए, सच नूं स्थापित करने, गुरु की बात को साबित कर ठीक करने वास्ते। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एक द्वारा धोए हच्छा होए सी, इस गल नूं सार्थक करने वास्ते केड़ा केड़ा नहीं चल के आया। वाहिगुरु भाई ईश्वर सिंह धन्नवाद, घर विच मुंडे का विआह रखिया होया, सदे आ गए जिन्हें जिन्हें ने ना लिखाया कि चलो भाई ननकाने चलीए, ननकाना साहब चलीए, चलो तैयार हो जाओ, फटाफट आ जाओ इशनान करके। दही दे नाल किसी इशनान किया है, पता सी ना किन्हें सानू आना इशनान करवाने ने, किसी इशनान किया, तैयार बर तैयार होए, मुंडे ने वेख्या वह तैयार बर तैयार होए, आप ही गवाह दही तुर पिया, मुंडा भी तुर पिया, जिंदा विआह रखिया सी ते मुंडे का बाप भी तुर पिया। रोके कौन होना, कौन रोके? फटाफट भज के पिंड के मुखी के पास गई बीबी, जिन्हों घरवाली कहा जा सकता, मां कहा जा सकता है, दौड़ के गई, समझाओ इन्हों, रोको इन्हों, ये की ननकाने की वाह बद गई है, इन्हू पता ही नहीं है भी मैं मुंडे का विआह करना है, तो मुंडे के विआह से मिलनिया होनिया ने, यह कितने तुरै जाता है, पति के बारे कहती है, फिर कहते नाल मुंडे नूं लै लिया। उन्होंने अगे जा के ना अगे लग के मुंडे नूं तां रोक लिया, पर ईश्वर सिंह नहीं रोकिया, कहिंदा फिकर ना करो, असी वह कार्ज करके ना ते फिर आके तुसी पहुंचे ते बरात लैके ते मैं उत्थे पहुंच के मैं मिलनी दे वेले उत्थे पहुंच जावांगा, चलिया शहीद होने वास्ते। मंगल सिंह नौजवान की गल मैनूं बड़ी प्यारी लगती है, ऐसी कितनियां सारियां उदाहरण ने मैं संखेप रूप में चाखियां सी। एक दिन पहला मुकलावा लेके आया, 8 फगन मुकलावा आया, तो 9 फगन रात में तुरदे ने, आप भी तुर पाए, भाई साहब हो रही, भाई लक्ष्मण सिंह जी हो रही, इन्हों का मुतबन्ना बनाया होया, आप भी तुर पाए, मुतबन्ना भी नाल तुर पिया, इन्हों की घरवाली बीबी इंदर कौर भी तुर पाए, इंदर कौर की एक सहेली सी जिहड़ा स्कूल बनाया सी उसकी उस्तादनी सी, एक होर सी बीबी, ये सारे तुर पाए। कोई अंदर चा नहीं हुंदा, असी अज जिहड़े सियाणी उम्र वाले बैठे हुए हाँ मेरे वीर, साढ़े अंदर विआह का चा नहीं हैगा, साडियां धीआं दे अंदर चा नहीं हुंदा, मेरियां भैणां बैठियां सारियां इस गल नूं रियलाइज कर सकदियां ने। एक
सजने आया आके ते अपने जवाई नू त्यार करवाया, नवे कपड़े पवाए, भी तू चल कितना किन्ने साल हो गए ब्याह होया होया ते चल साडे नाल सी, कुड़ी तुर गई हुण, कुड़ी सियाणी हो गई है, कपड़े सवाए, लीड़े सवाए, त्यार किया, ते उधर परवाना आ गया ननकाना साहब जाण वालिया। देखो जिहड़ा सौरा सी ओह वी ननकाना साहब तुर पिया, कुड़म सी ओह वी ननकाना साहब तुर पिया, ते जिन्हों जवाई नूं लैण वास्ते आया सी ओह वी को ननकाना साहब तुर पिया, ते तिन्ने ही शहीद हो गए। है किते गल कुछ होर, हर जन को यही सुभाव है, और की है। चली दी बात, जत्तो गंगसर विखे मोर्चा लगा, मोर्चे की पिछोकड़ सी, मैं संखेपता नाल मैं बेनती करा, मोर्चे का पिछोकड़ सी रिपदमन सिंह, जो महाराजा नाभा सन, भावना वाले सिख सन, महाराजा जीरा सिंह और सुपुत्र, गुरमत अनुसार गुर अपनी गद्दी ते बैठे, राज गद्दी ते बैठे 1912 दे विच, और इस सारी अकाली लहर के नाल गुरद्वारा सुधार लहर नाल उन्हां दी हमदर्दी सी। ऐ जिस वेले साका हुंदा है ते भोग पैंदा है ते हुक्म होया सारे सिख कालियां पग्गां बन के आउण, ते केवल एक रुपदमन सिंह महाराजां विचों रियासतियां दे विचों सन जिन्हां ने काली पग बद्धी, हमदर्दी रखते सन, लेकिन आने बहाने पा के अंग्रेज गवर्नमेंट ने उन्होंने मजबूर कर दिता, तखत तो ला दिता, लिखाया उन्होंने को मजबूर करके लिखा लिया, बहाल करवाने वास्ते, रीइंस्टेट करने वास्ते फिर मोर्चा लगा है। वाहे, जे कोई हम सवाल करे, मैं बाकी गल छड़ देना सारे, जे कोई सवाल करे तो दमन सिया तू राज कर यार, राज दे सुख मान, केड़े चक्करां विच पिया है, मैं कालियां पग्गां बनणियां ने, मैं गुरुद्वारे जड़े ने वो आजाद करवाने ने महंतां दे पासों, मैं फलाना काम करना है, मैं सिखां दे नाल रल के चलना है, मैं पंथ दे नाल रल के चलना है, सिख कहदा होया जिहड़ा पंथ नाल रल के नहीं चलता, मैं सिख पहला महाराजा मैं बाद विच हां, नहीं, हर जन को यही सुभाव है, और तां गल ही कोई ना होई ना। भाई साहब नंद लाल होरां नूं याद कर लईए, कहन लगे शाखे उम्मीद अशक हर किस समर ना गीरद, अशक आग मिजगां ता सबज तर ना वाशत। तुसी प्यार दा लाभ लेना चाहुंदे हो, प्यार दा फल लेना चाहुंदे हो, कहन लगे तद तक प्यार दी इस टहणी नूं फल नहीं लगदा जब तक उस टहनी अशके आवे मिजगां अपनी अखां दे चिमनियां दे अंसू नाल जब तक तर नहीं कीता जांदा। तुसी मेरे वीर बैठे हो, मर्द दी अख विच अंसू आना कितनी दूर दी गल हुंदी है, एक अंसू नी चिमनियां दे अंसूआं नाल टाणी नूं हरा भरा नहीं कीता जांदा। पुरजा पुरजा, हां जी पुरजा पुरजा, इत है बात, प्रभु ने छड़ा खेत, और हर जन को यही सुभाव है। बगैर आशके मौला वाहिगुरु जी के नाल प्यार करने वाले तो बिना हमा फना पंदार कोई होर आके सिखिया देने लग पवे, भाई जी ऐं कर लो, भाई जी ऐ लै लवो, सरदार जी ऐ लै लवो, तुसी है ना अमा फना पंदार, ये सारिया सिक्ख्यावां एवें फजूल ने खत्म हो जाने वालियां ने, बगैर इश्क खुदा हेज इश्क कायम नेस्त, एक वाहिगुरु जी दे नाल प्यार तो बिना बाकी किसे प्रकार का प्यार, भावें अमल नाल है, भावें राज नाल है, भावें धरती नाल है, भावें स्वादा नाल है, भावें नजारिया नाल है, किसे दे नाल है, नहीं नहीं परवाह। संगत जीओ, मैं समाप्ति करन लगा, हाथ जोड़ के मैं तुहानू बेनती करता, सबना अज आपां सुभाव नाल जुड़े हाँ, तुसी घरां विच जुड़दे होवोगे जरूर जुड़िया करो, इत्थे आओ दर्शन मेले करके विचार दे समय डेफिनेट जरूर दरबार साहब मंजी साहब विखे पहुँच जाया करो, जरूर शब्द दी विचार दा आनंद माणिया करो, ये मकसद है साडा जरूर।
ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੀਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀਆਂ ਪਸਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮਹੰਤ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਮੇਰੋ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਬਾਦ, ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਭੁਲਾ ਦਿਓਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ PTC ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਹੀ ਸੁਹਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਹੱਪਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।